हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है मृणाल घोष और मेरा यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे हम बहुत ही आसान तरीके से किसी भी एक्सेल फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते, वो भी एक्सेल फाइल से ही। तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक्सेल फाइल को ओपन कर लेंगे, जिस एक्सेल फाइल को हम पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो देखिए, इधर हम एक्सेल फाइल को ओपन कर लिया, जिस एक्सेल फाइल को हम पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते तो इधर हमको क्या करना पड़ेगा, इधर हमको ऊपर में एक ऑप्शन मिल जाएगा फाइल, वही फाइल ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। तो देखिए, ऊपर में मेरे को सबसे पहला वाला जो ऑप्शन दिख रहा है फाइल, वही फाइल ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। फाइल ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो इधर मेरे को बहुत सारे ऑप्शन दिखेगा, तो हम फाइल ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए, इधर हमको एक ऑप्शन मिल जाएगा सेव एज, वही सेव एज ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। सेव एज ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो सेव एज का पेज ओपन हो जाएगा। तो देखिए, इधर सेव एज का पेज ओपन हो गया। इधर हमको सबसे पहले हमको डेस्टिनेशन चूज करना पड़ेगा कि इधर हम सेव करना चाहते, तो हम अपना हिसाब से डेस्टिनेशन सिलेक्ट कर लेंगे। तो इधर हम आपको दिखाने के लिए डेस्कटॉप सिलेक्ट कर लेते हैं। आपको अपना हिसाब से डेस्टिनेशन सिलेक्ट करना पड़ेगा, आप जिधर सेव करना चाहते उधर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद नीचे हमको फाइल नेम का ऑप्शन दिखेगा, वही फाइल नेम ऑप्शन पर आना पड़ेगा। फाइल नेम एक्सेल फाइल का जो नेम रहेगा वही ऑटोमेटिक आ जाएगा, हम चाहे तो इधर से चेंज कर सकते, तो हम अपना हिसाब से इसको चेंज कर लेंगे। तो हम अपना हिसाब से इधर चेंज भी कर सकते, तो हम इधर फाइल नेम लिख देंगे, अपना हिसाब से जो फाइल नेम होगा वही हम इधर लिख देंगे। उसके नीचे हमको मिल जाएगा सेव एज टाइप, सेव एज टाइप का जो ड्रॉप डाउन लिस्ट दिख रहा है इधर क्लिक करना पड़ेगा। इधर क्लिक कर देंगे तो इधर हमको एक ऑप्शन मिल जाएगा पीडीएफ, इधर नीचे जो पीडीएफ ऑप्शन दिख रहा है वही पीडीएफ को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम पीडीएफ सिलेक्ट कर देंगे, पीडीएफ सिलेक्ट कर देंगे तो इधर हमको पीडीएफ दिखेगा। तो फिर से हम एक बार दिखा देते हैं। तो इधर सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इधर सबसे पहले हमको डेस्टिनेशन सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद फाइल नेम हम चाहे तो चेंज कर सकते, उसके बाद सेव एज टाइप पीडीएफ करना पड़ेगा। ये पूरा प्रोसेस करने के बाद नीचे हमको सेव ऑप्शन दिखेगा, वही सेव ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। सेव ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा एक्सेल फाइल। तो देखिए, अभी पीडीएफ में कन्वर्ट हो रहा है, तो देखिए अभी पीडीएफ में कन्वर्ट हो गया। तो देखिए, इधर हमको पीडीएफ दिख रहा है, जो फाइल एक्सेल में था वही हमको इधर पीडीएफ में दिख रहा है। तो ऐसे ही हम बहुत ही आसान तरीके से एक्सेल फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते। आई होप मेरा वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक ज़रूर करना और बहुत सारे शेयर करना, और मेरे को कमेंट करके बताना कि कैसा लगा। और मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कोई नया वीडियो के साथ। जय हिंद।